हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीआईसीआई ग्रुप के शेयर से रिलेटेड। तीन शेयर है आईसीआईसीआई ग्रुप के, तो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। और काफी टाइम से यहाँ पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ उस ग्रुप से, और काफी अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर मिले भी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हो उन ग्रुप शेयर से रिलेटेड कितने टारगेट नजर आ रहे हैं। अच्छे खासे टारगेट, लो रिस्क ना के बराबर रिस्क है, और अच्छे खासे प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरी वीडियो जाके देखिए। और एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, इस माई ट्रिप से रिलेटेड 42% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी पोजिशन देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हमारी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करिए उस पर, और यहाँ पर आपको कॉल रिसीव हो जाएगी या फिर आप हमें व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले तो हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। बैंक से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड हम पहले बात करें उससे पहले। तो आईसीआईसीआई यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी एक बेहतरीन सपोर्ट के साथ यहाँ पर काम कर रही है। शायद अगर गिरती है तो थोड़ा सा यहाँ पर 1001 पॉइंट्स का और गिरावट हो सकती है, ओके, उसके लिए रेडी रहिएगा। बट यहाँ पर से रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर दोबारा ये इस लेवल तक जाने की और इससे भी ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। तो बैंक की तरफ ध्यान दीजिएगा। बट बैंक में अगर हम बात करें तो एक शेयर से रिलेटेड अभी बात कर रहा हूँ, और एक शेयर से अगला वीडियो आएगा जहां पर अच्छा खासा मुझे टारगेट नजर आता है, तो उसकी ही बात करेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले हम आईसीआईसीआई ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीनों पर दिखाना चाहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड, ताकि हमारी यहाँ पर हमें पता चल जाए बैंक करता क्या है, आपको बताइए। ओके, नो इश्यू इसमें की कोई परेशानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.51%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर 3.67%, ग्रॉस एनपीए 4.38%, नेट एनपीए 0.63%। मार्केट कैप देखेंगे 5,38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो कि काफी बेहतरीन है। पी 25 के पी पे चल रहा है। आरओसी आरओई यहाँ पर देखी रही नहीं है, बैंक में यहाँ पर कमी होती है। डेट टू इक्विटी की बात करें, यहाँ पर डेट वगैरह दीदी देखते क्यों नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनका काम ही बोरिंग लेके यहाँ पर पैसे देने का है, तो इस चीज को भी नहीं देखते। 867 तक ये शेयर गया था, और यहाँ पर अभी 777 पे ये शेयर चल रहा है, लगभग 90 रुपए नीचे आ चुके हैं। सॉरी, और हम अगर कुछ और चीजें देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी तरफ हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार की जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, 23,878 करोड़ रुपए की। और प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी बात करें तो कहाँ पर 10 साल में लगभग 3 गुना यहाँ पर पिछले 12 महीने में अगर बात करें 90,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर रेवेन्यू है। इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंटरेस्ट भी 40,000 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 21,000 करोड़ के आसपास का है पिछले 12 महीने में, 18,000 करोड़ का 2021 में। तो कंपनी यहाँ पर बैंक अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, और सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का अच्छे खासे रिजर्व्स है, ओके, काम बोरिंग का है, तो जितना बोरिंग यहाँ पर देंगे उतना ज्यादा यहाँ पर इनको इंटरेस्ट आएगा, और जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, 5,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का। कैश की बात करें, कंपनी के पास 1,47,000 करोड़ का कैश भी है, जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। आरओसी आरओई यहाँ पर इसी तरीके से रहता है, तो आरओसी आरओई को यहाँ पर ब्लेम नहीं करेंगे। एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 47, तो बैंक में मोस्टली होल्डिंग यहाँ पर आपको एफआईआईज की दिखेगी, यहाँ पर देखिए 47.31 है। डीआईज की बात करें, यहाँ पर डीआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है तो 42% है, गवर्नमेंट की 0.25% है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर लगभग 10% की हिस्सेदारी यहाँ नजर आती है, और कम होती हुई नजर आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, जब निफ्टी यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, अच्छे रिजल्ट पेश करे, सब कुछ यहाँ पर अच्छा पेश किया है, तो यहाँ पर चीजें और भागती हुई नजर आती है, और सून यहाँ पर शायद ये 1,000 रुपीज के लेवल तक जा सकता है। पहला टारगेट तो यहीं पर ही है जो इसकी रिसेंट हाई थे, तो यहाँ पर रिसेंट हाई की तरफ ध्यान दीजिएगा। और अभी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी, तो 12% के रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं, तो इस रिटर्न की तरफ
यहाँ पर ध्यान बना सकते हो और ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ऐसे बैंक यहाँ पर पहला हो गया। अब बात करते हैं एक और शेयर से रिलेटेड, कुछ जब इसके रिजल्ट आए थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करेंगे, तब मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यहाँ पर इस शेयर को खरीदिए, काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आता है। लाइफ इंश्योरेंस में मुझे इससे बेहतरीन शेयर यहाँ पर अभी तक नहीं लगा, ना एचडीएफसी लाइफ लगा ना एसबीआई लाइफ लगा। क्यों नहीं लगा वो इसके रिजल्ट बता देंगे। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें, लगभग 96,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। आरओसी आरओई यहाँ पर देख सकते हैं 9%। डेट की बात करें 14% का डेट भी है और 724 रुपए पे इससे यहाँ पर करेक्ट होके शेयर नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, बीच में हर्डल्स दिखाई दे रहे थे, बट अब इंश्योरेंस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जब अच्छे खासे जो बैंक हो गए और अच्छे अच्छे इंश्योरेंस हो गए उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पर नीचे तो नहीं बात करेंगे ऊपर की बात करते हैं। तो देखिए मार्केट कैप में एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर ज्यादा है, सबसे बड़ा यहाँ पर नजर आता है, फिर एसबीआई और फिर यहाँ पर आईसीआईसीआई। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं पीई की, तो पी आईसीआईसीआई का ज्यादा नजर आ रहा है, फिर एचडीएफसी का, फिर यहाँ पर बात करें एसबीआई लाइफ का, और आरओसी की बात करें आरओसी यहाँ पर सबसे कम सबसे ज्यादा यहाँ पर एचडीएफसी का दिखाई देता है। बट यहाँ पर बात करें शेयर शेयर की, तो सब अच्छे रिटर्न मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो नंबर है वो यहाँ पर काबिले तारीफ है। यहाँ पर इसी बेस पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सेल्स की बात करें तो कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर सेल्स पर यहाँ दिखाया है, देखिए यहाँ पर अच्छा खासी सेल्स हुई है सेप्टेम्बर में, 23,000 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासी बढ़ोतरी है। प्रॉफिट देखिए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ पर 302 करोड़ का प्रॉफिट 446 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हुआ है। तो यही चीजें बताती है कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, 14,000 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 27,000, पिछले 12 महीने की 27,000 करोड़ 87 करोड़ की सेल्स में। प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी का है, नो डाउट यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। बोरिंग यहाँ पर बात करें, अभी यहाँ पर 1200 करोड़ की इन्होंने बोरिंग ली थी, और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छा खासा कर रखा है। कैश की बात करें कैश अच्छा कैश रिच कंपनी है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। प्रमोटर्स 73% के प्रमोटर्स, एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर एज इट इज, डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है इस क्वार्टर में। पब्लिक की बात करें पब्लिक के बाद 5.27% की है, और 5.27 में से भी 2% यहाँ निकाल दो 3.27% की, तो 3.27% का मतलब यह है कि ऑपरेटर कुछ इस शेयर को ना जब कम जितनी कम होल्डिंग होती है ना उतना अच्छा होता है पब्लिक के पब्लिक में। क्यों? जितनी पब्लिक की होल्डिंग कम होगी उतना ही यहाँ पर ऑपरेटर उस शेयर को ज्यादा यहाँ पर मूव कर सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आता है। लॉन्ग टर्म के व्यू से भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यहाँ पर जब ये नीचे शेयर आया था आपको बार बार यहाँ पर बताया जा रहा था कि इसे यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर भाग चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर लगभग 5% के लगभग भागा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कुछ दिनों के अंदर अंदर शायद आपको ये टारगेट 7% के मिलते हुए नजर आए, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर ये शेयर अब आपको अच्छे खासे गेन ओके यहाँ पर 800-900 रुपए का लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है, तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। 800-900 रुपए 1,000 रुपए तक का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि सूनर और लेटर 6 महीने के अंदर अंदर शायद यहाँ पर आपको अचीव होता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर इस टारगेट के लिए भी जा सकते हैं आप। तो 20-25% के रिटर्न तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बेहतरीन शेयर जो मेरा फेवरेट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 400 रुपए से आपको यहाँ पर बताते आ रहा हूँ। यहाँ पर 802 का प्राइस चल रहा है और 900 रुपए तक टच होकर आया है यहाँ पर, और अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, फिर 700 पे आया था और अभी 800 रुपए यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर अंदर बढ़ चुका है। यहाँ पर बात करें इसकी 37-70% का यहाँ पर आरओसी आरओई चल रहा है, काफी बेहतरीन है। 20 का पीए ऐसे सिक्योरिटीज करता क्या है आपको पता ही है, सिक्योरिटीज से रिलेटेड मतलब शेयर बाजार में ही ये रिलेटेड ये काम करता हुआ दिखाई देता है। जितने अकाउंट बढ़ रहे हैं आपको पता है इसकी डीएसएल एनएचडीएल में अकाउंट बढ़ रहे हैं, लगभग 7,500 करोड़ 7.5 करोड़ यहाँ पर अकाउंट है, तो इसका फायदा क्या होता हुआ नजर आएगा कि इन सभी के अकाउंट यहाँ पर शेयर बाजार में जितने लोग आएंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या एचडीएफसी या जितने भी सिक्योरिटीज के शेयर है सब में यहाँ पर डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। जितने यहाँ पर अकाउंट ऐड होंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे और उतने अच्छे नंबर यहाँ पर दिख भी रहे हैं। 856 करोड़ हाईएस्ट एवर सेल्स, नेट प्रॉफिट 351 करोड़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट,
इसके अलावा हाईएस्ट एवर यहाँ पर ईयरली बेसिस में यहाँ पर कंपनी काम करती है, कंसिस्टेंसी बेस पे कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रही है। नेट प्रॉफिट 339 करोड़ का यहाँ पर 1278 करोड़ में पहुंच गया पिछले 12 महीने का। तो ये चीजें बताती है कि कंपनी यहाँ पर परफॉर्मर है, कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। ये शेयर आपको बहुत जल्दी 1000 का लेवल शायद आपको इसी 3 महीने के अंदर अंदर दिखाता हुआ दिखाई दे। रिजर्व की बात करें 900 करोड़ रुपए के आसपास के रिजर्व है। बोरिंग की बात करें कंपनी के पास 6000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है। ओके, और बोरिंग का मतलब क्या है, क्योंकि कंपनी ये देखिए सिक्योरिटीज में है, सिक्योरिटीज पे लोन भी देती हुई नजर आती है, तो इस वजह से यहाँ पर शायद इस वजह से बोरिंग है, तो इसे यहाँ पर निगलेक्ट भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस में 12 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट की बात करें 4 करोड़ रुपए, कैश की बात करें 5000 करोड़ का कैश भी है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। इस बार के नेगेटिव है मार्च क्वार्टर के। आरओसी की बात करें 37 का आरओसी है जो कि सबसे बेहतरीन नजर आता है। सॉरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे बेहतरीन है। 75% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास नजर आते हैं, 74.91% के। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, देख सकते हैं 5.68 से 6.29। एनडीआईएस की बात करें, उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है 7.35 से 0.51 यहाँ हो गई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक से शेयर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक से शेयर का जाना मतलब यहाँ पर लॉटरी लगना उन शेयर होल्डर के लिए जो कि इनके यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बार बार 400 रुपए से इस शेयर को मैं आपको कमेंट करता आ रहा हूं। ये रैली जो आप देख रहे हैं, ये एक साइड बेस रैली थी, ये इसी वीक की रैली थी। इसके बाद शेयर यहाँ पर भी था जो 700 पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, आपको बताया था, फिर 900 पे गया, यहाँ से करेक्ट होकर फिर 700 के आसपास आया और यहाँ पर 706 रुपए तक आया था ही, और फिर अभी देखिए 800 पे आ गया और बहुत जल्दी यहाँ पर शेयर आपको 1000 रुपीज का लेवल दिखाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी तैयार रखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, और अच्छे खासे शेयर है, स्टडी करना सीखिए, स्टडी करना शुरू करिए इन शेयर से रिलेटेड। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न अभी नहीं, फ्यूचर में भी देते हुए नजर आएंगे, और शॉर्ट टर्म में भी स्विंग ट्रेडिंग में 20-25% के रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।